लूटपाट जो हो रहा है उसको मिटाना है, कायम रखना है, अरे मिटाना है भैया, कायम कहीं रखेंगे, वो कायम रहेगा तो पंचायत तो सराफ भ्रष्ट हो जाएगी। तो कई लोग आने के बाद इसको कायम ही रख दे रहे बड़े पैमाने पर। आपका चैनल सरपंच को देखिए ऐसे ही होना चाहिए, क्या लग रहा है इस बार जनता आपको लाएगी? किस पंचायत से हैं? पंचायत सरपंच से। सरपंच पहले भी थे? नहीं वर्तमान में ना, परसों। पहली बार है? हाँ। इतना उम्र हो गया पहली बार क्यों सोचे रहे? खड़ा करा दिए, हम खड़ा नहीं हो रहे थे लेकिन लोग खड़ा करा दिए, हम खड़ा हो गए, लोग मदद कर रहे हैं, सारा आदमी है हमारे वहाँ। हाँ मतलब क्यों जनता आपको लाई है? जनता लाई जो नया है करना है हमको। पहले भी करते थे क्या? पहले तो सरपंच नहीं थे, कुछ नहीं थे, तभी भी हम करते थे। हाँ। वैसे आपका शरीर बॉडी वगैरह सब सरपंच की तरह लग रहा है, सरपंच को देखिए ऐसे ही होना चाहिए, क्या लग रहा है इस बार जनता आपको लाएगी? पहले क्या काम करते थे जनता के लिए? आप क्या सेवा किए? बहुत सेवा किए हैं जनता के लिए, जो भी काम होता है हम कर देते हैं। मतलब क्या किए हैं, कोई ऐसा बताइए जो धरातल पर उतारे हुआ, जो मान लीजिए कहीं अन्याय खुश हो आपके काम, जहाँ अन्याय होता है हम न्याय करते हैं। सरपंच का काम क्या होता है आपको तो मालूम होगा? हाँ, न्याय का काम है, अन्याय को न्याय करिए। पहले जो सरपंच थे वो काम अच्छा करते थे कि नहीं? इसीलिए हम खड़ा हुए हैं। थाने में कोई केस जाता था आपके क्षेत्र से? जाता था, हम आप आ जाएंगे तो नहीं जाने देंगे, वही रोक देते हैं हम, पर जो नहीं मानता उसको भेज देते। सरपंच था वो नहीं समझौता कराने जाता था क्या? वो भी करा रहे थे, दोनों हम लोग साथ में थे, वो अभी सरपंच छोड़कर मुखिया में आ गए हैं। अब मुखिया में आ गए? जी। हाँ, मेरा नाम गोरा पाल है। हाँ, किस पद से हैं? मुखिया प्रत्याशी हैं। मुखिया प्रत्याशी? मुखिया प्रत्याशी। पहले भी नहीं वर्तमान में थे क्या? नहीं, पहला दूसरा बार। किस एक बार हार चुके? हार चुके हैं, ट्राई में है अभी। क्या सोच कर आए हैं राजनीति में? अब जो जनता बताएगी। क्यों हार गए पिछली बार? वो समय था वैसा। कौन था मुखिया वहाँ का? और वीरेंद्र मुखिया था। कोई काम किए हैं? कुछ काम नहीं किया है, जनता बता रही है। क्या काम आया था जो वो नहीं किया है? बहुत विकास के काम, नल जल है वही उधरा पड़ा हुआ है। कितना वार्ड है आपके पंचायत? 15 वार्ड में कोई भी नल जल नहीं, सफल नहीं है, कहीं सफल नहीं है। आप करेंगे? आप लक्ष्य है करके दिखाएंगे, वही वादा है। कैसे करेंगे? अपना लक्ष्य से करेंगे, आपसे सहयोग लेकर करेंगे, जनता सहयोग से होगा, बिल्कुल होगा। चलिए, आज तक कोई काम किए हैं? बहुत किए हैं, जनता बताएगी, बहुत किए हैं काम, समाज के काम बहुत किए हैं। जनता तो वोट देकर बताएगी ना? ना, विकास की अभी बात बताएगी। हाँ, वोट देकर बताएगी, एक बात है। चलिए, जीतने के बाद वैसे आपके पंचायत में हम लोग आएंगे, देखते हैं पुराने जो नी वर्तमान। आइए, पंकज कुमार श्रीवास्तव। किस पंचायत से? दरौली पंचायत से। दरौली? जी, दरौली प्रखंड में दरौली पंचायत है। जी। अच्छा, किस पद से? सरपंच। सरपंच से? नहीं, वर्तमान में थे? जी नहीं, इसके पहले थे, पिछले बार 2011 से लेकर 2011 में थे। जी। उस समय क्या थे? उस समय हमारे परिवार से हमारी भाभी सरपंच। सरपंच थे जी। सरपंच का काम क्या होता है आपका तो मालूम होगा? जी बिल्कुल, काम है न्याय करना, उचित लोगों का न्याय करना, लोगों की समस्या का सही समाधान करना, यही उनका काम होता है। आप सरपंच पद ही क्यों चुने? और सब जो पद है कमाने वाला, बहुत सारे पद है। ऐसा है कि गांव में ऐसे लोग सरपंच हो चुके हैं कि जो लोग जात पात का भेद लगाकर जात पात का नारा लगाते हैं, बोल्ड नहीं होते हैं, बोल्ड बोलने में उनको बड़ी कठिनाई होती है, और अपने साथ जो है कई जमात कई तरह के लोगों को लेकर चलते हैं। इसलिए मैं इस पद को इसलिए चुना कि गांव में लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, गांव में तमाम लोग आगे पीछे घूम रहे हैं, न्याय नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए मैं इस पद को इसलिए चुन लिया कि क्योंकि यहां जो लोग हैं वो लोग बहुत उपेक्षा के साथ मुझसे कहते हैं कि हम लोग का न्याय नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं इस पद को चुन। मान लीजिए 2011 में जब आप लोग सरपंच थे, उस समय 5 सालों में कोई केस थाने पर गया था या नहीं? थाने पे केस, एक आध केस थाने पे गया था, लेकिन 72 मामला हम लोगों ने डिस्पोजल किया था। खत्म कर दिया जी, 5 साल के अंतराल में 72 मामला का हमने समाधान किया है और उचित न्याय दिलवाया। ये बीच में गैप कैसे हो गया? पिछली बार चुनाव में हम लोग चुनाव में खड़े थे, लेकिन ऊंच नीच का भेद देकर और तमाम लोगों के साथ मिलजुल कर और बैकवर्ड वोट का नारा लगाकर हम लोगों को थोड़ा सा मामूली वोट से वंचित कर दिया। इस बार क्या लग रहा है? इस बार जनता मेरे साथ है और मेरा साथ देगी, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मुझे मिलने वाला है।
पंकज भैया जिंदाबाद, पंकज भैया। ये मेरा तालुक पश्चिम नमंत्र नहीं है, वार्ड वार्ड से भारी मुखिया भारी वार्ड ना विकास देवे के चाह विकास जो बाकी बात होगी इतना कौन जीता है पहले पूरा ना बनता जी ना पहले से तो 15 साल से 15 साल से एक के कैंडिडेट बने का जी जी देखो तो का 15 साल में फंड ना आयल बा अब तो हुए के बता सकत है कि फंड आयल था ठीक है लेकिन काम कुछ नहीं कर रहा एक महिला बने कैसे ही पद के संभाल कैसे काम ऐसे नहीं अब हम सौ कर लगे अपनी बात विकास पर नहीं दिखा के काम कर अब सौ पूरा करे खतरे उठने बने का जी नहीं मैंने लोग विकास करे का चित्र बने लोग की मतलब काम बाकी बाबर का पूरा करे वार्ड नंबर बताइए पंचायत बताइए 6 नंबर पंचायत नाम मैं हरिप्रसाद बैठा भाई मुखिया प्रति ग्राम पंचायत चकरी के चकरी पंचायत से कौन से पद से हैं जी मुखिया पद लड़ रहे हैं भैया मुखिया पद से लड़ रहे हैं पब्लिक आपका कहाँ है समर्थक पब्लिक हमारा सब खड़ी है वहाँ पर अच्छा उधर देखिए इनका समर्थक बाहर खड़े हैं रोड पर नहीं देते तो फिर क्या करें बस दो आदमी है एक ही आदमी ये आपका क्या है प्रस्तावक हाँ बतियो है प्रस्तावक है भैया हाँ अच्छा मुखिया प्रत्याशी जो क्या सोच कर आए राजनीति में पहले है या पहले भी फर्स्ट टाइम है फर्स्ट है क्या सोच कर रहे हैं सोच के हमारा चार मुद्दा है पंचायत उतरने उतरने का हमारा चार मुद्दा है शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार भ्रष्टाचार रोजगार और लूटपाट हाँ भ्रष्टाचार अच्छा इसको हमको मिटाना है मिटाना है लूटपाट जो हो रहा है उसको मिटाना है कायम रखना है अरे मिटाना है भैया कायम कहे रखेंगे वो कायम रहेगा तो पंचायत तो सारा भ्रष्ट हो जाएगी तो कई लोग आने के बाद इसको कायम ही रख दे रहे हैं बड़े पैमाने पर आपके चैनल के माध्यम से जो हम वादा कर रहे हैं अपने पंचायत रे चकरी के जनता से वादा कर रहे हैं ठीक है वो सामने हम दिखा देंगे हाँ बारी बारी से सबका आपको वादा पूरा करके दिखाएंगे हम क्या क्या वादा किए हैं शिक्षा स्वास्थ्य और बेरोजगारी शिक्षा में क्या कमी शिक्षा में कमी हो जाए आज कल देखिए कुछ कोरोना की पहले स्थिति था स्कूल में समय से समुचित बच्चों को सब व्यवस्था नहीं हो रहा है पढ़ाई नहीं हो पा रहा है यदि पढ़ाई के चलते थोड़ा अलग अलग पढ़ा है सब जाकर प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है लेकिन जब हम मुखिया हम बन जाते हैं अपने उच्च स्तर से बात करेंगे अधिकारियों से बात करेंगे और वहां से बात करके समुचित व्यवस्था कराएंगे स्कूल में समय से पढ़ेगा और समय से सब कुछ होगा अच्छा बेरोजगार पर आपका क्या विचार बोल रहे हैं बेरोजगारी को हटाएंगे कैसे हटाएंगे सरकार हटा ही नहीं पा रही है वादा किए 20 लाख वो भी उससे ज्यादा कहीं बेरोजगार हो गए हैं देखिए भैया बात ऐसा भाई बहुत कुछ गरीब आदमी है बहुत कुछ गरीब आदमी यहाँ पर पंचायत में ठीक है नरेगा पद देखिए काम जो हो रहा है कहीं पर जेसीबी से कोड़ा जा रहा है कहीं कुछ से कोड़ा रहा है यदि मान लीजिए वही हमारी जनता उसमें काम करती कुछ ना कुछ तो उसको तो मिलता तो चलिए एजुकेशन एजुकेशनल वाले बच्चे आपका मनरेगा में काम करने नहीं जाएंगे ठीक है देखिए उनके लिए क्या करें नहीं बताइए यदि बच्चे नहीं जाएंगे उसके लिए व्यवस्था है ना हाँ। उसके लिए व्यवस्था है ये सरकार नहीं हटा पाई आप भी नहीं हटा पाएंगे और कोई अच्छा ऐसा शब्द बताइए जो समाज सेवा जो शब्द हो जिसे जनता संतुष्ट हो जाए आपके तरफ आ जाए आपको जीता दे हमारा यही है हम जनता से अपना वादा करते हैं चकरी पंचायत के जनता से वादा करते हैं कि एक बार हमको मौका दे हमको मुखिया बनाए उसके बाद हम अपना जो वादा किए हैं वो पूरा करके दिखाएंगे धरातल पर उतार दिखाएंगे चलिए मैं भी यही कहूंगा कि हाँ वादा जो किए हैं उसको निभाइए हाँ। लूटपाट में मत जाइए बिल्कुल नहीं भैया सब लोग उधर ही भाग रहे हैं नहीं नहीं इस एक नहीं होगा आपका चंद मैसे वादा कर रहे हैं एक कभी नहीं होगा हमसे शिव चरण प्रसाद ग्राम पंचायत बलहू से पहली बार है पहली बार क्या सोच कर आए हैं राजनीति राजनीति तो हम बहुत पहले से कर रहे हैं 1995 में विधानसभा चुनाव लड़े थे वर्तमान में भी कुछ सामाजिक सेवा दूसरा कुछ सामाजिक सेवा करते थे पद पे नहीं थे जी नहीं वही पार्टी के काम करते थे इस पार्टी से राजद से काम करते थे राजद से इस बार आए हैं मुखिया ही में लड़ने जी हाँ तो मुखिया ही में क्यों आए हमारे यहाँ सबसे अच्छी है कि जो बाढ़ और सुखाड़ का रहती है उन्होंने कभी कोई इसका ध्यान नहीं दिया कौन सा बाढ़ और सुखाड़ के लिए कोई ध्यान नहीं दिया है जिसके चलते कम से कम सैकड़ों बीघा जमीन हर साल क्षतिग्रस्त हो जाता है और क्या क्या कमियां है जिसे सुधार करेंगे अभी जो कमियां जो दिखाई पड़ रहा है जो गवर्नमेंट का 7 निश्चय योजना है उसमें बहुत त्रुटि है जो कि पंचायत में तो कोई किया नहीं अधूरा सब है और उसको हम सुधार करने का अच्छा। हम वैसा व्यक्ति नहीं आज तक ये त्रुटियां कहीं से किसी से लेकर कोई काम नहीं कराए हैं काम अपने से फ्री से कराए हैं जितना हो सके हम अपना काम करा दिए अपना खर्च करके भी कराए मुखिया को जो पिछले 5 सालों में जो मुखिया था कौन सा काम नहीं किया है जो आप करना चाहेंगे हर चीज अधूरा है कोई चीज कोई भी काम धरातल पर धरातल में बिता है 7 निश्चित योजना वो भी सारा चीज अधूरा रह चुका है अधूरा है पूरा क्या क्या था उसमें नल जल है बड़ी नली है रोड है पानी निकासी है इस सारा चीज शिक्षा का भी कुछ यदि है तो ये कहीं भी उन लोगों का
नहीं हुआ है कि काम अच्छा हो। कौन था मुखिया आपका? स्वामीलाल झा। रैली मठिया पंचायत चढ़ाव परसिया गाँव। किस वार्ड से? 12 नंबर वार्ड। 12 नंबर। हाँ पहले भी थे? हाँ पहले भी वार्ड में थे। हाँ हाँ ये दूसरा नंबर। क्या किए पंचकालों में? 5 साल में सरकार जो दिया है उसको किए हैं। सही शाला में जल नहीं मिला था, उसमें तो ज्यादा लूटपाट हुआ है। अब जो हुआ है लेकिन वही ट्रक हमको मिला। उसमें आप भी किए हैं क्या? हाँ अभी किए हैं। कहा लूटपाट? मतलब बंदर बाट पैसों का ज्यादा हुआ? अरे जो भी वहाँ बात हुआ हम लोग बिना जानकार थे, अब ना जानकारी गुने जो भी। आप नल जल योजना का काम करवाए थे, कितने का प्रोजेक्ट था वो? 17 लाख कुछ रुपए का था। 17 लाख का था। कौन कौन लिया है सर उसमें? उसमें एक ठेकेदार था लेकर के कुछ इधर उधर कर दिया। वही ठेकेदार क्या नाम है उसका? वो ठेकेदार नहीं था, काम कराने के लिए उसको हम ठेका दिए थे मजदूरी का और सामान सब हम किने हैं। मतलब आपको धोखा मिला है? हाँ धोखा दिया। और कोई काम आया था सरकार के? ना हमारे हमको कुछ नहीं मिला, एक नल जल भी मिला। आपको मालूम ही नहीं था? ना हमको बस एक नल जल मिला। इन 5 सालों में मतलब यही एक नल जल वाला काम किए हैं, और आने के बाद अगर फिर आ गए सत्ता में तो क्या करेंगे जनता के लिए? जनता के लिए विकास करेंगे, जो सरकार हमको देगी उसके जो सही सलामत काम करेंगे। ऐसे ही अधूरा काम करेंगे या पूरा भी करेंगे? ना ना अधूरा काम करेंगे, पूरा करेंगे। मतलब और भी काम आया था साथ निश्चित योजना ना, तो हमको तो